सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घूमने आए हैं सबमरीन, और या फिर उसको कहते हैं पंडुपी, जो पानी के अंदर चलती है। तो ये एक म्यूजियम बना हुआ है उसका भी, तो इस म्यूजियम फ्रेंड्स ये कंपार्टमेंट है जहाँ पर रेस्ट करने के लिए, सोने के लिए जो कंपार्टमेंट बना हुआ है, कैप्टन्स लोग यहाँ पर रेस्ट करने के लिए कंपार्टमेंट है। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और ये फिर से कैप्टन्स के लिए रेस्ट के लिए रुके जाने के लिए है, लेकिन अभी ये बंद है। इसमें जाने के लिए आपको बहुत फिट होना पड़ेगा। रेस्ट रूम, अगेन रेस्ट रूम इज हियर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चीफ इंजीनियर कैबिन। ओके, यहाँ से हवा आ रही है कूलिंग के लिए एसी। और यहाँ से फिर हम लोग को नीचे झुक के जाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल डोर है सबमरीन में एंटर करने के लिए, जो हम लोग आए हैं वो आर्टिफिशियल डोर है। टोटल यहाँ पर अंदर 75 लोग स्टाफ वर्क करते थे, मतलब उसमें से जो भी कैप्टन और सारी चीजें मिला के 75 टोटल पीपल्स इसके अंदर स्टे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर रेडियो रिसीवर है जहाँ से कम्युनिकेशन होते हैं, मैसेज पास होते हैं, जो भी चीजें होती हैं वो यहाँ से होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेडियो रिसीवर, और यहीं से सारे कम्युनिकेशन पास किए जाते हैं। ओके, लेट्स फ्रेंड, वी विल सी स्टाफ नेम्स आल्सो। कम ऑन ब्रदर, वाटरप्रूफ सूट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, और कुछ मेडल्स हैं, और अगेन रेस्ट रूम भी है। और भाई ये पूरा सबमरीन पानी के अंदर ही रहता है, इतनी सारी वायरिंग है लेकिन फिर भी कुछ होगा नहीं अंडरग्राउंड होने के बाद। काफी सेफ्टी के साथ बनाया गया सप्लाई को नहीं बताइए इसको। चलिए फ्रेंड्स, अभी और अंदर चलते हैं। अच्छा,
कहानी बताई दी है उदयस काको कहानी बताना आ रहा चले आ गए जी उदयस काको कहानी बताना आ रहा दादा आ जाओ आगे लेट अ मोमेंट प्लीज ये भाग आखिरी भाग आराम करने का जगह जो नौकरी करते थे उसको आराम करने के लिए यहाँ 25 जड़ रहा था तीन दिखाने के लिए रखे हैं बाकी सब निकाल दिया जगह के लिए जब म्यूजियम बनाया था ये मॉडल दुश्मन को आगे से भी पीछे से भी हमला कर सकते हैं पीछे से चार चार किलो हर दो भाग का बीच में दरवाजा ऐसा रहती है गोल का आने जाने में आप लोगों को दिक्कत होगा करके ऐसा जगह पर खुला बना दिया प्लीज कम इनसाइड आगे आ जाओ वहाँ कोई नहीं बचे ऐसा दरवाजा पूरे पंडुबी में चार रहता है चारों जगह पर बड़ा कर दिया आप लोग आते समय चौथा भाग में एक सूट देखा होगा ऑरेंज कलर सूट हाइड्रो सूट बोला जाता है उसको पंडुबी डूब गया ऊपर ना आ पाए तो हर एक का पास एक एक रहता है वाला उसको लगे कुछ लोग वो चीड़ी से ऊपर निकल जाते हैं 100 मीटर का गहरा में रहते हुए वो सूट उपयोग हो सकता है और पंडुबी को यहाँ से भी चला सकते हैं जब मेन स्टीयरिंग फेल होने से पीछे से पीछे ब्लैक का पता तो नहीं बनना चाहिए ब्लैक बोर्ड वहां से भी और हम लोग शुरू होने से पहले ही पानी भर लेते हैं उसको उपयोग करते हैं सिर्फ खाना पकाने के लिए और पीने के लिए उसका कैपेसिटी है टैंक कैपेसिटी 36.6 टन जो आपका जो लाल वाला लगा हुआ ना वही होता है उसको इतना संभाल के उपयोग करते हैं 5 मिनट मुंह धोने के लिए ब्रेकफास्ट या चार डिनर 3, 5 और 5 दिन में 20 मिनट खुलता हो उतना संभाल के उपयोग करने से 2 महीने पहुंचता है रियल फ्रेश वाटर रैशन 2 महीने के लिए ले जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है बैटरी यह है जी इस भाग का इम्पोर्टेंट आप लोग इस तरह का दरवाजा खुलेगा मैप एंड कंपास का हाथ से जाते हैं और आते समय सेकंड कंपार्टमेंट में बाएं तरफ एक पुतले बैठ कर रखा हुआ देखा क्या पढ़ा उसमें कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक है सोना रहे वो वही हमारा आंख और कान 25 किलोमीटर का रेडियस में क्या चीज है उससे पता चलता रहता है और वो रिपोर्ट करता रहता है तीसरा बार उसको कंट्रोल रूम बोला जाता है ये हम राके का गाना है वो सुना है बाकी का इंटरव्यू है ना कुछ इंटरेस्टिंग देखी को सुना पुलिस ఈ మాట మాట్లాడే మీరు లోపలికి వచ్చారు హిందీలో నా మాట వింటారా ఈ మాట మాట్లాడే మీరు లోపలికి వచ్చింటారు తెలుగులో హిందీలో తెలుగు మాలోమే అనుకుంటున్నాను నేను హిందీ మాలోమే అని తెలుగు బ్యాచ్ లో రావాలి outside of submarine outside that's the outside the beautiful view at the opposite back side na
खोले कर बुधैन हो